हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे और हम लोगों ने सभी वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं, यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में जो वो क्वेश्चंस आए हैं। हम इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे और हर भाग में हम 50 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो आज इसका हम पहला भाग शुरू कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं उसका पहला सवाल। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है बी, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है इसका नाम बताना है हमको। इसका सही जवाब है ए, सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? आपका सही जवाब है सी, मशीनी भाषा पर। चलिए अगला सवाल। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आपका सही जवाब है डी, भारतीय सांख्यिकी स्थान कोलकाता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? इसका सही जवाब है सी, डाटा को उपयोगी बनाना। अगला सवाल। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? इसका सही जवाब है डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आपका सही जवाब है डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। IMAC एक प्रकार का है? इसका सही जवाब है ए, मशीन। चलिए अगला सवाल। WWW के आविष्कारक कौन है? आपका सही जवाब है डी, टिम बर्नर ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका सही जवाब है बी, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? इसका सही जवाब है डी, एंड्रॉइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहां किया गया था? आपका सही जवाब है सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। अगला सवाल। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? आपका सही जवाब है सी, डाटा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं और आपका सही जवाब है ए, रेजोल्यूशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आपका सही जवाब है डी, ओरेकल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? आपका सही जवाब है डी, गूगल प्लस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? और आपका सही जवाब है ए, 1024 बाइट के बराबर। चलिए अगला सवाल। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? आपका सही जवाब है डी, सिलिकॉन से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? आपका सही जवाब है डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोंड तारक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? आपका सही जवाब है डी, कोंडा तरण से मशीन तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है और आपका सही जवाब है सी, सीडी रोम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? आपका सही जवाब है सी, आउटपुट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। C
सीपीयू के एएलयू में होते हैं? आपका सही जवाब है बी, रजिस्टर। चलिए अगला सवाल, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है सी, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इस सवाल का सही जवाब है ए, प्रोसेसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? आपका सही जवाब है सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। चलिए अगला सवाल, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका सही जवाब है बी, गणना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? आपका सही जवाब है ए, ENIAC। चलिए अगला सवाल देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपका सही जवाब है डी, चतुर्थ पीढ़ी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? आपका सही जवाब है बी, सीपीयू द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इथरनेट संबंधित है? आपका सही जवाब है ए, लैन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपका सही जवाब है बी, ब्लेस पास्कल ने। चलिए अगला सवाल, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? आपका सही जवाब है सी, तृतीय पीढ़ी से। चलिए अगला सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपका सही जवाब है बी, सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? आपका सही जवाब है बी, मॉडिफायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपका सही जवाब है बी, डगलस एंजलबर्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? आपका सही जवाब है ए, रैम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? आपका सही जवाब है सी, फॉर्मेटिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मदरबोर्ड के कन्फोंटेंस के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? आपका सही जवाब है डी, बस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें ऐसे वाक्यों में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है और उन पर प्रतिक्रिया दे सकता है? आपका सही जवाब है बी, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वह कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? आपका सही जवाब है ई, इंटरप्रेटर। चलिए अगला सवाल, अवास्ट डैश का उदाहरण है? आपका सही जवाब है बी, एंटीवायरस। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में डैश पर आइकन कार्य के अनुसार और आमतौर पर प्रयोग के अनुसार व्यवस्थित होते हैं? आपका सही जवाब है सी, टूल बार। चलिए अगला सवाल, क्विक एक्सेस टूल बार पर डैश बटन आपको रीसेट कमांड और एक्टिविटीज को कैंसिल करने की अनुमति देता है? आपका सही जवाब है सी, अंडू। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हार्डवेयर का कौन सा भाग सीपीयू और बाह्य उपकरणों पेरिफेरल्स के मध्य अंतर को कंपनसेट करता है? आपका सही जवाब है ई, इंटरफेस। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल को दोनों दिशाओं में एक ही समय में एक सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य प्रेषित कर सकता है? आपका सही जवाब है सी, फुल डुप्लेक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों के ओवरऑल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरकनेक्शन के रूप में जाना जाता है? आपका सही जवाब है बी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डेटा संचारित करके प्रदान की जाती हैं, तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास टैश है। इसका सही जवाब है ए, फिशिंग। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। कौन सी की एक डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स किसी अन्य डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड करने के लिए लिंक करती है? आपका सही जवाब है सी, फॉरेन की। चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह सीरीज हमें आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं। पीडीएफ ईबुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।